कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन वाले इरफान साहब की इतनी सारी वीडियो बना दी है, लेकिन माशाल्लाह से उनका काम जो है रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जा रहा है। आज भी मैं गोल्ड ब्लॉक में मौजूद हूँ और उन्होंने एक और बहुत खूबसूरत सा छोटा सा घर बनाया है। सामने आपको फुटबॉल ग्राउंड, ये जिसका भी घर है, मैं समझता हूँ कि बहुत आउटस्टैंडिंग लोकेशन है इरफान भाई। जगह पे हवा की क्रॉसिंग बहुत जबरदस्त है, यानी ये कह लेंगे लोड शेडिंग होती है तो यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। 12 फीट इसकी लेंथ है और 11 फीट इसकी विड्थ है। कार पोरी जिसे आप कह सकते हैं वो है। इसके अलावा ये देखें, आपके यहाँ पर इन्होंने बेसन भी लगा दिया है और बेसन के लिए जो मखसूस जगह इन्होंने बनाई है बहुत जबरदस्त है, यहाँ पे शीशा लग जाएगा। और ये उम्मीद आप लोग खैरियत होंगे। कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन वाले इरफान साहब की इतनी सारी वीडियो बना दी है, लेकिन माशाल्लाह से उनका काम जो है रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जा रहा है। आज भी मैं गोल्ड ब्लॉक में मौजूद हूँ और उन्होंने एक और बहुत खूबसूरत सा छोटा सा घर बनाया है। तो इरफान साहब यहाँ पर मौजूद हैं और इसकी लोकेशन मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस हाथ पर देखेंगे तो ये वो पोर्शन है जहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड है, जिसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, और ये पूरा गोल्ड ब्लॉक है। और ये आप देख सकते हैं कि वो मकान है जिसको मैं इंशाल्लाह ताला भी आपके लिए एक्सप्लोर करूंगा। इरफान साहब मौजूद हैं और इसकी तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करता हूं। आ जाए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? इरफान भाई माशाल्लाह से आप घर पे घर बनाए चले जा रहे हैं, माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त है, ये भी घर है। इरफान भाई ये हमारे देखने वालों को बताएं कि फेज़ वन में अब तक आप कितने घर बना चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये 22वां प्रोजेक्ट है, ठीक है, फेज़ वन के अंदर। जी फेज़ वन के अंदर, ठीक है। इसमें हमने स्ट्रक्चर कम्प्लीट नहीं, दोनों कम्प्लीट में काम किए हैं। तकरीबन 80% जो हमारे काम है वो इसमें कम्प्लीट हमने फिनिश कर चुके हैं, जैसे कि इस कंडीशन में। 20% ऐसे हैं कि जो सिर्फ हमने स्ट्रक्चर बनाए थे, ऑनर का बजट नहीं था, फिलहाल टेंपरेरी उन्होंने रोका है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये जो घर है माशाल्लाह से 300 टॉप पे है, ये जी जी हिल हिल टॉप पे ऊपर है, टॉप के ऊपर है। ये कितने, ये 80 यार्ड के ऊपर बना हुआ है बेसिकली। सिंगल स्टोरी है, सिंगल स्टोरी है, ऊपर एक रूम दिया हुआ है। ठीक है, ऊपर एक रूम दिया हुआ है जी। अच्छा व्यूअर्स, नॉर्मली जिस तरह का घर आम डिजाइन होता है वो वही टाइप है, लेकिन जाहिर है इरफान भाई का अपना एक कमाल होता है उसके अंदर। दाखिल होते ही तो ये कारपोरी जिसे आप कह सकते हैं वो है। इसके अलावा ये देखें, आपके यहाँ पर इन्होंने बेसन भी लगा दिया है और बेसन के लिए जो मखसूस जगह इन्होंने बनाई है बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पे शीशा लग जाएगा। और ये बाथरूम, कॉमन बाथरूम जिसे आप कह सकते हैं, बाहर जो लोग बाहर से जिनका ताल्लुक होता है, यानी कि जो ऐसे मेहमान जो घर में नहीं जा सकते या उनके लिए ईजी हो तो ये बनाया जाता है, ये पोर्शन है। अच्छा ये इन्होंने, मैं मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम आपके किसी घर में की डोर है ये इन्होंने बनाया है और बहुत ज़बरदस्त है। इससे एक फ़ायदा ये होता है व्यूअर्स मेरे ख्याल में कि दरवाज़ा अंदर वाला जो है वो खुला रहे, वेंटिलेशन भी होती रहती है और कोई जैसे बिल्ली वगैरह अगर कहीं से आ जाए वगैरह, हाँ वो भी इस डोर की वजह से नहीं जा सकते। हम सबसे पहले वहाँ से इरफान भाई शुरू करते हैं। बिल्कुल आ जाइए, ड्राइंग रूम में विजिट करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा इसमें भी इन्होंने जो डोर लगाया है मलेशियन प्लाई के डोर से, ठीक है, ज़बरदस्त। इस डोर की भी, यहाँ पर डोर का जो कलर इन्होंने इरफान भाई ने थोड़ा सा चेंज किया है, वरना वुमन ब्राउन रखते हैं। बिल्कुल है ना, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी वैसे। ये कस्टमर्स की या क्लाइंट की आप रिक्वायरमेंट कह सकते हैं वो है। ये कितना है इरफान भाई कमरा? ये 12x11 फीट का रूम है। 12 फीट इसकी लेंथ है और 11 फीट इसकी विड्थ है। ठीक है। अच्छा इरफान भाई के मकान की जो मैंने एक चीज हमेशा महसूस की है, नोट की है, वो इनका कलर कॉम्बिनेशन जो कि ग्रे ग्रे होता है। बिल्कुल, और ग्रे कलर बहुत अच्छा होता है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये ग्रे ही कलर है। अच्छा ऊपर आप देखें तो ऊपर फोर सीलिंग है और उसमें अभी चूंकि लोग आए नहीं है तो कुछ परिंदों ने इस पर अपनी रिहाइश तैयार की। ये डोर जो के अंदर चला जाएगा, ये रूम है जी जी बेसिकली, ये ठीक है। ये थोड़ा सा स्टाइल चेंज है, यानी कि रूम टू रूम हो गया ये, इस तरह यहाँ से आप ये इसका पार्टीशन है बेसिकली।
इसका पार्टीशन है, इस रूम से दूसरे रूम के पार्टीशन के तौर पर है। ठीक है, एक रूम ये और उसके बाद दूसरा ये सेकंड रूम ये हो गया है। इसके बाद अगर हम उस साइड पे जाएंगे जो मेन एंट्रेंस है, तो व्यूअर्स मेन एंट्रेंस में भी दाखिल होते ही यूँ समझ लें कि आप दाखिल होते ही ये किचन है। 80 गज का प्लाट है, इसलिए इसको बहुत मुख्तलिफ तरीके से बहुत ज़्यादा उसको फैला के नहीं बना सकते। यही वजह है कि उन्होंने इसको समेटा है, दो कमरे उस साइड पर रखे हैं, सेपरेट हो गया है। ये किचन बहुत ज़बरदस्त है, इसका इरफान भाई के काम करने का अंदाज़ बहुत ज़बरदस्त है। ये भी यहाँ पे भी फोर सीलिंग का काम आप देख सकते हैं। इरफान भाई, फोर सीलिंग जो होती है ये कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं इसमें आप? इसके अंदर ये उसकी शीट होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की शीट होती है, 5 mm की, 4 mm की, और डिज़ाइन जो है ना बेसिकली इसमें कस्टमाइज होते हैं। डिज़ाइन हम क्लाइंट को प्रोवाइड कर देते हैं, 100-150 जो भी डिज़ाइन होते हैं, अब उसमें से वो सिलेक्ट करते हैं कि हमें इस रूम में, इस लाउंज में, इस जगह पर ये डिज़ाइन आप इसको बना दें। अच्छा, कलर कॉम्बिनेशन या डिज़ाइन ज़्यादातर हम तरजीह देते हैं ऑनर के चॉइस के ऊपर। ठीक है, ठीक है। मीडिया वॉल के लिए कोई जगह मखसूस इसलिए नहीं की गई है कि वैसे जो एक पूरा पोर्शन स्टाइल से बनाया जाता है, 80 गज का घर है उसको, लेकिन 80 गज के हिसाब से मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा मैनेज किया गया। 2 रूम उस तरह निकाल दिए गए और ये एक सेपरेट पोर्शन हो गया है, और किचन के साथ साथ ये डक एरिया है, ये डक एरिया है, ये देखें आप, वो ज़बरदस्त, यहाँ भी नेट डोर्स का इस्तेमाल किया गया, बहुत ज़बरदस्त डक एरिया भी बहुत शानदार है। डक एरिया में दाखिल होते ही ये नेट डोर इन्होंने लगाया है ताकि आप इसे अगर बंद कर लें तो बाहर से मच्छर वगैरह इसमें दाखिल ना हो सके। पोर्शन ये है, यहाँ पर वॉशिंग का आप सिस्टम पूरा कर सकते हैं, और उसके साथ साथ उस साइड पे अगर आप ये वॉशरूम है, कॉमन के तौर पर भी यूज हो सकता है, ये रूम के साथ अटैच नहीं किया गया, रूम के साथ अटैच नहीं किया गया, लेकिन आपने 80 गज का इस्तेमाल बहुत सलीके से प्लानिंग से किया ताकि जो है ना प्रॉपर प्लानिंग को, जगह जाया भी नहीं हो और जगह कंजेस्टेड भी नहीं हो, कंजेस्टेड भी ना हो। इरफान भाई, ये खास डिजाइन है या आपका अपना डिजाइन है या कस्टमर? नहीं, देखिए हमारे पास बेसिकली हमने 4 से 5 लेआउट पे, 80 यार्ड पे काम किया है। ठीक है, हम क्लाइंट को जब स्टार्ट ऑफ एग्रीमेंट होता है तो हम उनको सारे डिजाइन या लेआउट दिखा देते हैं। फिजिकली हमारे पास तो साइट्स मौजूद हैं, हम फिजिकली विजिट कराते हैं, उससे फिर जो सिलेक्शन करते हैं क्लाइंट के, हमें ये वाला लेआउट पसंद आ रहा है, आप इसके मुताबिक लेके चले तो हम उसको फॉलो करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन द स्पॉट यानी ऑन साइट। ठीक है, अच्छा, इसका ये भी आपने जमीन से शुरू किया? ये बिल्कुल खाली प्लॉट से हमने शुरू किया, लेबर ये इसको तकरीबन देखें, क्योंकि मैंने आपको बताया था शायद लास्ट इंटरव्यू में भी कि अमूमन ये काम के ताल्लुक होता है कि हमारे 6 से 8 महीने नहीं, 6 से 8 महीने नहीं, ग्राउंड प्लस 1 में होता है, लेकिन ये है कि कंटिन्यू हमारा जो कि इसका शेड्यूलिंग के हिसाब से होता है, तो उसमें नॉर्मली 4 महीने का टाइम ड्यूरेशन होता है, ये अप्रोक्सीमेट 5 मंथ भी क्रॉस कर गया, 5 मंथ भी क्रॉस कर गया ये हमारा। चलें, ठीक है, उसके और बहुत सारे जी बिल्कुल। अच्छा, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर एक रूम है, चलें आपको ऊपर भी रूम, चलें ऊपर का भी रूम देखते हैं। ठीक है, अच्छा व्यूअर्स, जिस तरह हम लास्ट इरफान भाई ने जो मकान बनाया था उसमें एमएस कहते हैं इसे, ये एमएस पाइप कहलाता है, एमएस पाइप और 18 गेज के पाइप यूज किया हुआ है, और ये ब्लैक एंड गोल्ड गेज, ब्लैक एंड गोल्ड। अच्छा, इसके जो सीढ़ियां बनाते हैं इरफान साहब, उसमें मैंने एक चीज देखी है कि वो इतनी ज्यादा कंजस्टेड नहीं होती, इसके जो फुट स्टेप होते हैं वो भी काफी अच्छे कुशादा होते हैं, उसका बहुत आसानी हो जाती है। ऊपर भी टाइल्स लगे हुए हैं और बहुत जबरदस्त सा एक माहौल लग रहा है यहाँ। छत की तो अपनी एक बात होती है, यहाँ से आप अगर चारों तरफ देखें शाम के वक्त ये कुदरती मनाजिर आपको नज़र आएंगे, और सामने आपको फुटबॉल ग्राउंड, ये जिसका भी घर है, मैं समझता हूँ कि बहुत आउटस्टैंडिंग लोकेशन है इरफान भाई। जगह पे हवा की क्रॉसिंग बहुत ज़बरदस्त है, यानी ये कह लेंगे अगर लोड शेडिंग होती है तो यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हाँ, इस जगह पर डे नाइट किसी भी वक्त आप आ जाएँ तो बहुत ज़बरदस्त एक इन्वायरमेंट है। ठीक है, अच्छा बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले मैं आपको कमरा भी दिखला दूँ। मेरे ख्याल में ये सामने कमरा है, ये भी नेट डोर, और नेट डोर से फायदा ये कि मच्छर ना आ सके। नीचे टाइल्स का काम भी बहुत अच्छा हुआ है, तकरीबन तो पूरे घर पे एक जैसे टाइल्स इन्होंने लगाया है। डोर भी बहुत ज़बरदस्त है, और फोर सीलिंग भी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त की गई है। यहाँ पर वो बाहर वाला पोर्शन, ये अगर आप खोल देंगे तो जो नेचुरल हवा है ना बाहर की, वो बहुत ज़बरदस्त सी आएगी, इसलिए ये बिल्कुल डायरेक्ट आपको सामने पूरा गोल्ड ब्लॉक नज़र आएगा, और बहुत अच्छा माहौल है। अब आप देखेंगे ये कितना कुशादा और कितना खूबसूरत सा, इसका ऊपर वाले फ्लोर में जो अटैच बाथरूम बनाया है इरफान भाई, ये तो बहुत कुशादा है जी। और ये जो टाइल्स लगाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? ये टाइल्स है, मैट टाइल हमने यूज़ किए हैं, इसमें थोड़ा सा साइज हमने जो है ना डिफरेंट थोड़ा सा यूनिक स्टाइल में किया, वरना अमूमन 10x12 होता है या 12x24 के टाइल्स यूज़ किए जाते हैं, ये 8x22 का टाइल है, 8x22 का टाइल है टाइल्स। अच्छा व्यूअर्स, अगर
आप इतनी सी जगह पर इतना खूबसूरत सा मकान बनाए तो मैं समझता हूँ कि वो इससे बेहतर नहीं बनाया जा सकता। इरफान भाई ने, मैंने आप लोगों के लिए इरफान भाई के बनाए हुए जितने भी मकान घर एक्सप्लोर किए हैं, वो इरफान भाई मैं समझता हूँ कि अपनी जगह सारे हीरे की तरह जड़े हुए थे। ये भी बहुत ज़बरदस्त सा इरफान भाई ने मकान बनाया है। कितने आपने मकान बनाए यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये 22वां प्रोजेक्ट है, फेज़ वन में है, ठीक है ना। और जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि तकरीबन इसमें 80% जो है हम कंप्लीट फिनिश कर चुके हैं, और उसमें समझ लें हैंड ओवर जब हो जाता है तो अब हम इसको भी बहुत जल्द इसको हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है, ये बात बताने का मकसद ये है कि कोई भी फील्ड हो, कोई भी काम हो, अगर आप उसको दिल जमी मेहनत से और ईमानदारी से करेंगे तो ये रिटर्न आपको इसी तरह का मिलेगा। मैंने नहीं देखा कि इरफान भाई फारिग बैठे हैं, अभी भी आपके हाथ में मेरे ख्याल में 2-3 मकान। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारे पास 4 साइडें ऑनगोइंग हैं, वो इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए एक्सप्लोर करेंगे। इरफान भाई का नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, उस पर आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और डिटेल भी ले सकते हैं, मुलाकात करके अगर आपको अपने मकान की तामीर करवानी है तो उस सिलसिले में बात भी कर सकते हैं। इरफान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू टाइम दिया। तो व्यूअर्स वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, दिलजवाब के चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने होस्ट हसन रजा इस्फहानी और इरफान साहब को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पसंद आई तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा।